Hey guys, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि यार पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। फाइव मेथड्स बताऊंगा, सारे ही प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा। खासतौर से मैक्सिमम मेथड मैंने खुद फॉलो किया, मैं खुद कर रहा हूं, तो वो मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पैसे अर्न कर सकते हो और अच्छे पैसे। ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो कि डिप्रेस हो गए हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं फाइव मेथड्स बता रहा हूँ, फाइव का सिक्स बता दूंगा आपको, जो मैं फाइव प्रैक्टिकल देख रहा हूँ उसमें कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और उससे बेनिफिट ये होगा कि जो तीसरा बंदा आपको बोलेगा कि यार सिविल में पैसा नहीं है, सिविल में पैसा नहीं है, उसको फाइव में से अगर दो तीन मेथड भी आप बता दोगे ना तो चुप हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा भाई ये तो पैसे का भंडार है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल मेथड से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला और सिंपल मेथड ये है, किसी भी जगह से आप अपना एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर पे स्किल्स डेवलप कर लीजिए, मतलब यूनिक्स सिविल से सीख लीजिए या फिर कहीं से भी सीख लीजिए। आप ऑटोकैड, स्टैट प्रो, रेबिट, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है, मैं हर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ यूट्यूब पे कि भाई ऑटोकैड पे चाहो, चाहे 3ds मैक्स पे, चाहे ऑटोकैड पे, चाहे टेक्ला पे, चाहे ईटेस्ट पे, चाहे सेफ पे, चाहे स्टैट पे, चाहे स्टैट फाउंडेशन पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपनी एक स्ट्रांग पकड़ बना लो। आपको प्राइवेट कंपनी में आराम से जॉब 15 से 20 हजार रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा, आगे तो आप बहुत कमाओगे। चलिए ये तो पहला मेथड है जो मैं पहले किया था, और मैं लगभग 8 शतक पार करके सैलरी थोड़ा और ज्यादा हो गया था तब मैंने इसको स्किप कर दिया था। ये फर्स्ट मेथड है, आपको तब तक करना चाहिए जब तक कि आपको लगे कि मैं फाइनेंशियली भी ओके नहीं हूं, तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हो, दूसरा मेथड है कि आप चाहे कॉलेज में हो या फिर अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो बट जॉब हैटिक नहीं है, या फिर अगर आप घर पे बैठे हो सोच रहे हो कुछ एक्स्ट्रा करना है, खुद का करना है, जिसके माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट है, उसके लिए बोल रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई भी एक से दो सॉफ्टवेयर को एकदम हाई लेवल पे एकदम स्किल कर लेना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए रेविट ले लेता हूं, 3ds मैक्स ले लेता हूं, आप एकदम हाई लेवल पे इसको स्किल कर दीजिए। उसके बाद एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बना लीजिए, आपके एरिया में जितने भी आर्किटेक्ट हों सिर्फ वहां पर एक विजिटिंग कार्ड डाल दीजिए और उनको बता दीजिए कि 3D मॉडलिंग में पहला प्रोजेक्ट फ्री करके देता हूं, और सारे लोगों को अपना सैंपल दिखाइए, अपना टेस्ट दिखा दीजिए कि मैं किस लेवल का अच्छा सा मॉडलिंग कर सकता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता हूँ। सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, आपके पास 1 से 2 महीने के अंदर आप देखोगे इतने ढेर सारे काम आ जाएंगे, इतने ढेर सारे काम हो जाएंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। कई लोगों को लग रहा होगा सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, भाई प्रैक्टिकल है। आप जाओ पहले, अब कैसे होगा कि आप 100 आर्किटेक्ट से मिलोगे, 100 बिल्डर से मिलोगे, तो उसमें से क्या होगा, केवल 10 का रिस्पॉन्स आएगा, सबका नहीं आता है। सो इसलिए ये मत सोचना कि एक को गए थे वो मना कर दिया तब से गए ही नहीं। आप जाइए, उसके बाद अपना कंटेंट बनाइए और बहुत अच्छे से आप इसमें भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है फ्रीलांसिंग वर्क। फ्रीलांसिंग वर्क इन द सेंस कि अगर आप चाहते हैं तो fiverr.com पे अपवर्क पे अपनी आईडी बना लीजिए, मैंने बनाना भी बताया हुआ है। वहां से अपने जो भी आपकी स्किल्स है उसको अपलोड करिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस किए हैं वो वहां पे अपलोड करिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस बना लीजिए, उस पर भी एड्स लगा दीजिए कि भाई मैं ये काम करके देता हूँ। बिलीव करिए 1 से 1.5 महीने के अंदर इसमें भी रिस्पॉन्स आना फिक्स है। मैं ये भी कर रहा हूँ और ये भी कर चुका हूँ, ये अभी फेसबुक इंस्टाग्राम वाला तो कर ही रहा हूँ, बट फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी बैठना पॉसिबल नहीं क्योंकि वो US के काम ज़्यादा आते हैं तो रात में रहता है, तो मैं ज़्यादा कम प्रीफर करता हूँ। तो आप इससे भी पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है, ये रहा तीसरा मेथड। चौथा मेथड जिससे आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, अब ये सब तीनों मेथड कैसे थे, लाइक चाहे तो ये फ्रीलांसिंग वर्क पकड़ लो, चाहे मॉडलिंग वर्क पकड़ लो, चाहे जॉब पकड़ लो, ये कम पैसे में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है या फिर थोड़े बहुत अच्छे पैसे हैं आपके पास, और आपके पास जियोग्राफिक नॉलेज है, जियोग्राफिक नॉलेज इन द सेंस कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे कौन सी योजना आ रही है, किस टाइम पे कौन सी योजना आई है, और उस किस जगह का आपका जो लैंड है उस लैंड का प्राइस बढ़ने वाला है, बस ये आपको पता करना पड़ेगा। सपोज मैं इस समय पुणे में हूँ, तो पुणे के किस एरिया में अभी कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, या हाईवे निकलने वाला है, या फिर आपको लगता है कि इस एरिया में ग्रोथ होना फिक्स है, उस एरिया का आप आराम से थोड़े से पैसे डालिए, और पैसे डालने के बाद आराम से उसको सेल करेंगे, बिलीव करिए 40-50% का आपको आराम से बेनिफिट होगा, 40-50% का। इस काम में अगर आपके पास खुद का पैसा है तो बहुत अच्छा होता है, खुद का पैसा इन द सेंस सपोज वो 15 लाख रुपए का क्या बोलते हैं 100 वर्गज आपका है, तो 15 लाख रुपए का आप उठा लीजिए, आप आराम से उसको 25 तक बेच लेंगे जैसे ही वो डेवलप होगा, और ये बहुत कम टाइम में, 4 से 5 महीने में। अब इसके लिए थोड़ा जियोग्राफिक नॉलेज ऐसा चाहिए कि भाई बस प्रोजेक्ट आने वाला है या प्रोजेक्ट पास हो चुका है अभी लगने वाला है,
तो ये नॉलेज जिसके पास है वही इस बिजनेस को करेगा तो बेनिफिट पाएगा। मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास कई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उसमें से बहुत से ढेर सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। तो उनसे मैं बोल के रखता हूँ कि भाई जहाँ पे भी कम प्राइस में तुरंत कोई निकाल रहा हो अपनी ज़मीन को मुझे बता देना, तो मैं उसको उस पर पैसे लगा लूँगा। तो मुझे बहुत कम प्राइस में काफ़ी लोग ऑफर कर देते हैं, तो मैं बस डायरेक्ट वहाँ पर पैसे डालता हूँ और उन्हीं को लगा देता हूँ कि आपको सेल करना है। और लोगों का ब्रोकरेज जो होता है 2 से 5% होता है, मैं 10% उसको देता हूँ कि भाई तू अच्छे रेट में निकाल, मुझे इतना दिला दे, ऊपर का तू ले ले। तो उस हिसाब से क्या होता है, वो भी हैप्पी रहते हैं और इसमें अच्छा पैसा अर्न होता है 6 से 7 महीने में। और कभी कभी ऐसा भी मिल जाते हैं कि जैसे कि सपोज आपकी लैंड है और मुझे आपने बोला कि सर आप खरीदोगे क्या, मैंने ले लिया, मैंने बोला मैं 6 मंथ के बाद आपको पैसे दूंगा तब रजिस्ट्री करवाऊंगा, अभी आप 2 लाख रुपए आपकी जरूरत है, आप लो काम करो अपना, 6 महीने के बाद मैं रजिस्ट्री करूंगा। सपोज 10 लाख रुपए की जमीन आपने मुझे सेल की है, अब देना 8 लाख मुझे देना है, और तब तक में मैंने क्या किया, उस जमीन का रेट लगा दिया मार्केट में, और रेट लगाने पर मैं सपोज उसको 15 लाख रुपए का वो जमीन फिक्स कर लिया, 15 लाख रुपए का फिक्स किया, अभी रजिस्ट्री मैंने आपसे नहीं कराया हुआ है, अब मैं डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री मतलब जो आपके लैंड है वो डायरेक्ट रजिस्ट्री सामने वाले को करा दूंगा, और 15 लाख में से 8 लाख आपको दूंगा, 7 लाख मैं रखूंगा, 2 लाख पहले दिया था आपको, अब 5 लाख रुपए का एकदम बिना कुछ किए मुझे बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आपको जियोग्राफिक नॉलेज है तो प्रॉपर्टी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा अर्निंग करके देता है। आप शेयर मार्केट में क्या पैसा कमाओगे, शेयर मार्केट में तो 1000-2000 में खेलोगे, यहाँ पर लाख में खेल सकते हो अगर प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का अच्छा नॉलेज है। फिर से बोलूंगा ये सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जिनको जियोग्राफिक नॉलेज है, जो न्यूज वगैरह में अपडेट रहते हैं कि कौन से एरिया में क्या नया होने वाला है। खासतौर से इस काम को अगर अपने लोकल एरिया में करोगे तो ज्यादा सक्सेस रहोगे, क्योंकि लोकल एरिया में इतना रिस्क नहीं होता है। चलिए ये था चौथा मेथड, होप आपको पसंद आया होगा। पांचवा मेथड बताता हूं कि जब आप लोग कम हम लोग डिजाइन करते हैं तो बहुत से लोग ऑफर करते हैं कि यार इसका कंस्ट्रक्शन भी करा के दे दोगे क्या। अब सपोज वो डिजाइन जो है वो एमपी में है, मतलब एमपी में भी सतना में है, और मेरा घर प्रयागराज में है, मैं रहता हूं पुणे में हूं, और मैं उस साइट को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, या फिर उस साइट को करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेफरल इनकम ले सकता हूँ। रेफरल इनकम इन द सेंस वहाँ का जो भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, देखो सिविल इंजीनियरिंग का पूरा बिजनेस कैसा है, टाई अप करके चलता है, ठीक है। टाई अप करके अगर आप चलते हो तो बहुत सक्सेस मिलेगा। टाई अप इन द सेंस आपने मुझसे टाई अप कर लिया, मैंने किसी और से कर लिया, उसने किसी और से, चैन बना के रखोगे। आप सपोज मुझे सतना का कोई कॉन्ट्रैक्टर या उस एरिया का कोई कॉन्ट्रैक्टर पता है, मैंने उसको बोला कि भाई मैं 1400 रुपये स्क्वायर फीट में ये प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के लिए टेंडर ले चुका हूँ, तुमको चाहिए क्या, उसने बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूँगा 1350 रुपये तुम कर लो, 50 रुपये स्क्वायर फीट मुझे साफ साफ दे दो। 100 रुपये भी लोग दे देते हैं, तो आप 50 रुपये भी इंसेंटिव लेते हैं, तो आपको एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। कुछ नहीं करना था, डिजाइन आपने किया था, आपने सिर्फ सामने वाले को रेफर कर दिया कि भाई तुम बनवा लो, 50 रुपये सूखा सूखा मिल गया, प्लस आप डिजाइन से जो कमा रहे हो 25-30 रुपये स्क्वायर फीट वो तो अलग ही कमा रहे हो। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे से आप रेफरल इनकम भी कर सकते हो। ये था आपका पांचवा मेथड। छठवा मेथड उनके लिए है जिनके पास थोड़े से पैसे ज्यादा है। फिर से जैसे प्रॉपर्टी ट्रेडिंग में बेनिफिट होता है, वैसा ही बेनिफिट और अच्छा आपको अर्न करना है तो आप सीधे जो डिजाइन कर रहे हो आप बोलो मैं पूरा कंस्ट्रक्शन करके दे दूंगा, विथ मटेरियल प्रोजेक्ट ले लीजिए। आज के टाइम में थोड़ा इसका रेट बढ़ चुका है, सो पुराने रेट पर मत लीजिए। पुराना रेट हम लोग 1400 रुपये स्क्वायर फीट लेते थे, अब जो लेने की जरूरत है वो 1700 कम से कम लीजिए, तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टील और सीमेंट का दाम बहुत बढ़ चुका है। तो 1700 रुपये स्क्वायर फीट, 1750 रुपये स्क्वायर फीट में आप बंगलो का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। डिजाइन आपने किया था, कैसे किया था, लाइक आपने एड लगा के फेसबुक से किया था, इंस्टाग्राम से किया था, या फिर फ्रीलांसिंग कोई साइट से किया था, और अब उसी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप 1700 रुपये स्क्वायर फीट में ले लेंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। 1500-1400 रुपये स्क्वायर फीट आपको खुद को पड़ेगा, 200-250 रुपये स्क्वायर फीट आपकी सेविंग होगी। ये एक अच्छा मेथड है पैसे अर्न करने का, तो अगर आपका मन करे तो ये कर लीजिए। सातवां मेथड है, मैं पांच ही बोला था बट मैं सात बता दिया आपको। सातवां मेथड ये है कि जो मैं अभी मेरा आगे का प्लान है, कैसे कि आप एक दो मैंने किया भी बट अभी उतना सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि इसमें बल्क में अमाउंट चाहिए होता है। मुझे कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टी मिल रही तो डायरेक्ट हम अगर प्रॉपर्टी ले लें और उस प्रॉपर्टी को डेवलप करके तब सेल करें, इस पर मेरा प्लान चल रहा है, धीरे धीरे इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट अभी सक्सेस नहीं मिला है। बट इसमें ज़्यादा अच्छा पैसा है, मैं अपना फ्यूचर इसमें देख रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का अगर वो सस्ते रेट पे है तो उसको डायरेक्ट उठा लिया जाए, उसमें से एक अच्छे अच्छे प्लॉट्स कट करके उनको क्लाइंट को दिखा के कि देखो ये प्लॉट है, और उसके बाद उनको एक डिज़ाइन दिखा दो कि ये डिज़ाइन हम बना के आपको देने वाले हैं।
तो मेरा अंदाज है कि इसमें बहुत अच्छी अर्निंग होगी। एक दो प्रोजेक्ट किया फिलहाल में, अभी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये काम मेरे लिए नया है, बट मेरा फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि हम इस तरीके से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आपको 7 मेथड बताया, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। हाँ यार, सारे मेथड तो अच्छे हैं। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, निगेटिव रखोगे तो आप सोचो कि यार सिविल में पैकेज ही नहीं मिल रहा है। क्या पैकेज यार, क्या मजाक करते हो पैकेज का। आपको पता है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आप 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग करते हो, ठीक है। आप अगर साल भर में 4 से 5 प्रोजेक्ट कर दो ना तो 5-20 लाख रुपए आप कमाते हो। कौन से पैकेज में आपको मिलेगा, और प्लस आप फ्री रहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको वहीं खड़े रहना है, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को बता देना है कि भाई ऐसे ऐसे करवाओ, वो करवाएगा। आप सिर्फ जाके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट देख के चले आओगे काम करना क्या, प्लस उसके बाद मार्केट में घूमो, अपना रिलेशन बिल्डअप करो, क्योंकि ये पूरा बिजनेस रिलेशन बिल्डअप पे चलता है। जितने लोग आपको जानेंगे उतना ज़्यादा आपका काम होगा। सो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कोई संस्था से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसे पार्टी से जुड़ सकते हैं। पार्टी इन द सेंस, वो पॉलिटिक्स पार्टीज का मैं बिलीव नहीं करता हूँ, पार्टी इन द सेंस कि कोई अच्छा नेक काम कर रहा है, उनको उनके ऐसे प्लान में है कि भाई हमको सबके लिए एक छोटे छोटे रूम बनाने हैं, थोड़ा पैसा कम कमाइए, थोड़ी चैरिटी भी करिए, नाम भी कमाइए, साथ ही साथ इसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, मैं होप आपको लिए ये 7 इफेक्टिव मेथड रहे होंगे पैसे अर्न करने के। इसमें से मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ, और इवन मैक्सिमम में मैंने काफ़ी अच्छा पैसे भी गेन किए हैं। अभी और ट्राई कर सकते हैं, और कौन से मेथड से आप पैसे कमा रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में, नीचे कमेंट करके बताना। हो सकता है वो मेथड मेरे लिए नया हो, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे पैसा अब तक में अर्न हुआ है उसमें मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी में अर्न हुआ है। बिलीव करिए, जब जैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नया होने वाला, वहाँ को उठाइए इतना जल्दी। अब हाँ, ये पता पहले आपको करने का टैलेंट होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, कभी अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो शेयर करूंगा कि कैसे आपको पता चल जाएगी ज्योग्राफिक नॉलेज कि भाई यहाँ पर क्या नया होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।